आप देख रहे हैं शहर का अपना वेब टीवी बनारस टाइम्स। लॉग ऑन कीजिए www.banarastimes.in और www.cngtimes.com। ये र अक्षर से उनको सावधान होकर के और म अक्षर को राजसत्ता पद की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि म अक्षर भी कहीं न कहीं से राजसत्ता की दौड़ में है। और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, म अक्षर के अनेक लोग ताल ठोके हुए हैं, लेकिन म अक्षर के लोगों को र अक्षर के लोगों से विशेष सावधान रहना होगा। अपनी पार्टी में सावधान रहना होगा, अपनी पार्टी से बाहर भी सावधान रहना होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को फूंक फूंक करके आगे चलना होगा। उनकी कुंडली प्रचंड फॉर्म में चल रही है इस समय, जिस तरह से मनमोहन सिंह जी की कुंडली 10 वर्षों तक प्रचंड फॉर्म में रही, इसके बाद उसमें निरंतर गिरावट शुरू हो गई और आज वह शून्य पर आकर के खड़े हैं। तो इस तरह से एक परिवर्तन का दौर चल रहा है और इस परिवर्तन के दौर में नरेंद्र मोदी सबसे आगे दौड़ में हैं। बस ये उनको सावधान रहना होगा कि उनके पीछे जो दौड़ रहा है वो अकस्मात संपूर्ण ताकत लगा करके उनसे आगे न निकल जाए। स्वराज आ जाती हैं। हाँ, से धूर्तता शुरू हुई है। किस से? नरेंद्र मोदी जी के हाथ। रामेश्वर शर्मा को बोल दीजिए। मंगल के साथ लग्न में विद्यमान है अनुराधा नक्षत्र, जो 27 नक्षत्रों में से सर्वश्रेष्ठ 4 नक्षत्र अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। हस्त पुष्य अनुराधा जन्म है और नक्षत्र बल भी उनको प्राप्त, और वह सर्वोच्च पद की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है और एक दिन अपने पुरुषार्थ से सर्वोच्च पद को प्राप्त। हेलो, हाँ भाई नमस्ते। अंत गल रही है, मुझे नाम पता है। और